अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। आज हमने कुछ ब्रीड्स के बारे में बताया जिनके हमने हाइब्रिड तैयार किए असील और गेम फॉल को लेते हुए, शामू में, समात्रा में और गनोई में। इन तीन ब्लड लाइन्स को हमने जो है मल्टीपल क्रॉस ब्रीडिंग करवा के एक रिज़ल्ट निकाला है, जिसके बाद जो बिल रिप्ले काफ़ी मशहूर है, जिन्होंने शामू समात्रा का क्रॉस निकाला था, तो उनको हमने इंस्पायर होकर ही निकाला है, जिसके बाद ही हमारे पास एक ब्रीड आई है जिसका नाम मैं ये कह सकता हूँ कि शामू एक्स सुमात्रा एक्स गनोई। ये माशाल्लाह हाइट में शामू जितना हुआ, बॉडी फिजिक में ये बिल्कुल गनोई जैसा स्टील बॉडी का हो गया है। ऐसा लगता है कि आपने किसी स्टील बॉडी के बर्ड को उठाया। 5 kg से ज़्यादा इसका वेट है और ओवरऑल जो है ये फाइट के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से बहुत बहुत प्यारा बर्ड है। जब इसको हमने फर्दर अभी क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, हमने सोचा है इसकी क्रॉस ब्रीडिंग प्योर शैमो से करवाएं ताकि इसकी जो फर्दर ब्रीड आए उसकी हाइट ज़्यादा बढ़े। अच्छा, रीज़न ये थी समात्रा से क्रॉस करवाने की, क्योंकि शैमो की जो दुम होती है, टेल होती है, वो इतनी लंबी हो नहीं पाती और पैरों में समात्रा के ऑलरेडी जो है 3 या 4 स्पर्स होते हैं, कील होते हैं, 2 तो इस कील होते ही हैं। तो इस पट्टे ने भी अपने पैरों में कील निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। दुम भी ये समात्रा की तरह लंबी कर रहा है। बॉडी फिजिक इसने गनोई जैसी बनाई है और हाइट इसने शैमू जैसी बनाई है। फेस वाइज और ओवरऑल अगर आप देखें तो माशाल्लाह ये अपने पॉइंट्स में बहुत खूबसूरत जा रहा है। तो फर्दर इसको हमने भी यही सोचा है कि फर्दर और इसकी क्रॉस ब्रीडिंग लें, जिसके बाद हमें कोई एक रिज़ल्ट पता चले कि भाई क्या इसमें हम फर्दर जो है इस ब्रीड को हाइब्रिड कर सकते हैं अपने हिसाब से और क्या पॉसिबिलिटी ला सकते हैं। इस ब्रीड के लिए हमने कोई लगभग हमारे 1.5 से 2 साल लगे। जब मैंने बिल रिप्ले की वीडियो देखी थी, मैंने कहा कि भाई हमें उस तरह से करना है, तो हमने शामू का मेल यूज़ किया, समात्रा की फ़ीमेल यूज़ करी। उसके बाद जो ब्रीड आई उसकी फ़ीमेल और उसमें मेल आए, उसके जो मेल के साथ जो शामू समात्रा का मेल था उसको हमने गनोई की फ़ीमेल से क्रॉस करवाया। बहुत हाई क्वालिटी गनोई थी, हमने UAE से मंगवाई थी, उससे क्रॉस करवाया। उसके बाद जो है जो ब्रीड आई उसको हमने फर्दर जो शामू समात्रा की फ़ीमेल आई थी उससे ब्रीड करवाया। उन तीनों चारों ब्रीडों के बाद जो फाइनली हमारे पास रिज़ल्ट आया वो ये आया। ये आप देख सकते हैं फिजिक में, बॉडी में ये एक अलग ही अपनी पहचान रखता है माशाल्लाह से। ये ब्लैक शामू पट्टा था, इसके फेदर्स निकल रहे थे, कुड़ीस में था। हमने इसको रेप्टाइल्स खिलाए हैं, उसके बाद मल्टी वाइटामिन दिए, जिसके बाद माशाल्लाह से इसके फेदर्स अच्छे आ गए, सारे फेदर्स आना स्टार्ट हो गए। देखिए सारे पिंस निकल रहे। ये शामू और समात्रा, इन दो ब्रीड्स का क्रॉस निकला, डबल स्पर्स में रिंग बर्ड है। Check out his face, eyes, bird eyes, parrot चोंच है बिल्कुल।
ये फैदर आ रहे हैं। इसके बराबर में 2.5 फुट का केज है और ये मुर्गा खड़ा हुआ है।